वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आकाश कोटा। अगेन हम आपके लिए एक और अच्छा वीडियो लेके आए हैं, एक बहुत ऑसम वीडियो लेके आए हैं जो आपके आने वाले नीट के पेपर के लिए बहुत क्रूशियल साबित होने वाला है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है क्लास ट्वेल्थ के लिए, जिसके अंदर हमने एक पैनल डिस्कशन किया था कि ट्वेल्थ में क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो नीट 2024 में एक्सपेक्टेड है। सेम सीरीज़ के अंदर ही इलेवंथ का भी ये वीडियो है, जिसके अंदर हम आज वापस से पैनल डिस्कशन करेंगे उन चैप्टर्स पर जो क्लास इलेवंथ के हैं फिजिक्स में, और जिनका नीट में अगर हम बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन चैप्टर्स से कि नीट में क्या पूछा जाएगा। सो अगेन आई विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द पैनल। सबसे पहले अगेन वी हैव विजय मिश्रा सर, अ वेरी सीनियर फैकल्टी एट अपना आकाश कोटा सेंटर। देन हमारे साथ हैं डीपी सर, जो बच्चों में डीपी सर के नाम से फेमस हैं, एंड सर जो हैं अगेन सीनियर फैकल्टी एट आकाश कोटा सेंटर। एंड देन वी हैव पवन सर, जिनसे आप काफ़ी वाकिफ़ हैं, काफ़ी वीडियोज़ आप इनके देख चुके होंगे, एंड ये भी काफ़ी सीनियर फैकल्टी एट कोटा आकाश सेंटर। एंड माई सेल्फ हर्षित गोयल, आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी एट कोटा आकाश सेंटर। एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस की अगर वापस से बात की जाए, सो वी आर अगेन क्रॉसिंग 50+ ईयर्स, सो वी हैव अ वेरी एनरिच एक्सपीरियंस टीम यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो अगेन विदाउट एनी डिले वी विल बी स्टार्टिंग द 11th टॉपिक वाइज डिस्कशन। तो पैनल में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा विजय सर को, एंड वो विजय सर जो हैं अपने जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं फिजिक्स में 11th के, उनके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे कि आपको किन चीज़ों पे अभी लास्ट टाइम पर फोकस रखना चाहिए और नीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है। जी सर। तो थैंक यू अर्षित सर एंड स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम चल रहा है, ज़्यादा टाइम हमारे पास पे नहीं है, तो हम लोग एक एक करके टॉपिक का डिस्कशन करते हैं कि उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एक बार आपको रिव्यू कर लेना चाहिए, उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल लगाने का तो टाइम अब ज़्यादा है नहीं हमारे पास, लेकिन कम से कम हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक से गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट डायमेंशन से। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन बच्चों अगर देखें अपन तो 2023 में इसमें यूनिट डायमेंशन में टॉपिक कौन कौन से, मैं पहले आपको बता दूँ। एक तो डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए सबके, और इसके अलावा यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। आई थिंक यूनिट आपको याद हो जाती है जब पूरा सिलेबस आप लोग कवर अप करते हैं, तो यूनिट वैसे ही याद हो जाती है ना, तो खास बात नहीं है। तो डायमेंशन फार्मूला निकालना आपको आना चाहिए, दूसरा एरर आपको आना चाहिए टॉपिक पूरा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एरर में से पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, ये प्रैक्टिकल में है, इस बार आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल वाला टॉपिक भी हमारा ऐड हो गया। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों, 2023 से लेकर के 2023 में, 2022 में, 2021 में, इन तीनों सालों में कंटिन्यू डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। कल भी हमारा मतलब लास्ट जो वीडियो था उसमें भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते, तो डायमेंशन में से क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, और डायमेंशन वाला टॉपिक ही ऐसा है जो मेरे हिसाब से सबको अच्छी तरह से आता भी है, आसान भी टॉपिक है, पर इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि 23 में भी आया है, दो बार आया है, फेज फर्स्ट फेज सेकेंड में मिला करके दो बार आ चुका है, 22 के अंदर आ चुका है, 21 में आ चुका है, 20 में नहीं आया है, 19 में भी नहीं आया था। इसके अलावा जो टॉपिक है बच्चों वो है एरर, एरर कंटिन्यू आ रहा है, 23 के अंदर भी आया, फेज फर्स्ट में आया, फेज सेकंड में आया, 22 के अंदर भी आया, 21 में भी आ गया, और इसके अलावा 20 के अंदर भी एरर का क्वेश्चन आ चुका है, और 19 के अंदर भी आ चुका है। इसका मतलब कंटिन्यू नॉन स्टॉप एरर का क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। तो आई थिंक जैसे हम लोग पिछली बार भी हम लोगों ने वीडियो में बोला था कि बॉस ऑफ द टॉपिक, हमारा जो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन बन रहा है, इसका मतलब वो बन रहा है बच्चों एरर का टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, परसेंटेज एरर बच्चों आपको निकालना आना चाहिए। आई थिंक आपने एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ है और डी की पावर स्क्वायर है, मान लीजिए डी की पावर 2 है, एक्स में और डी में एरर दे दिया जाए परसेंटेज, वाई में परसेंट एरर कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसके अलावा आपको परसेंटेज एरर आपको निकालना आना चाहिए, जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं, वो वाले फार्मूला आपको आना चाहिए लगाना। इसके अलावा एरर के अंदर मेरा मानना है कि एक बार आप पहले 10 मिनट के लिए आप थ्योरी जरूर पढ़ लें, क्योंकि रैंडम एरर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी, एक्सपेरिमेंट जो एरर्स होती है उनके बारे में वो पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमें मेरे हिसाब से उसको पढ़ लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एरर टॉपिक बच्चों ऐसा है जो हमें ज़रूर पढ़ना होगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा डायमेंशन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं छोड़ सकते, और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स, इसके भी क्वेश्चन बच्चों 23 के अंदर भी आ चुका है, इसके अलावा 21 के अंदर भी आया था, और 2020 के अंदर भी आया है, तीन बार अभी तक सवाल पिछले 5 सालों में आ चुका है, तो इसको टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते।
बिल्कुल आसान टॉपिक वैसे होते हैं, लिस्ट काउंट वगैरह इसमें सब पूछता है, और ये टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट है। तो तीन टॉपिक बच्चों आप लिख लीजिएगा, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, एरर का टॉपिक एंड डायमेंशन। ठीक है, हम लोग चलते हैं बच्चों मोशन वन डी की तरफ। मोशन वन डी के अंदर बच्चों क्या है, मैं सीधा रिजल्ट आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन जो है 23 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 20 में आया और 21 में भी आया। हर साल सवाल आते हैं, बट मोशन वन डी ऐसा है जिसमें डायरेक्टली सवाल कम बनेंगे, लेकिन इसका यूज़ हर चैप्टर में लगभग फिजिक्स में हो जाता है। आप चैप्टर कोई सा भी उठा के देखिए, टीचर उस टॉपिक उस चैप्टर के अंदर एक ना ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई डाल देगा प्रैक्टिस के लिए, या पेपर के अंदर भी आया होगा जो मोशन इन वन डी से रिलेटेड होता है। तो मोशन इन वन डी तो आपको आना ही चाहिए। अब इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने, मैं आपको बता देता हूँ बिना डिले किए हुए। इसमें एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप ब्रिज पर खड़े हो गए, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर आपने फेंक दिया, नीचे आने में मान लीजिए उसको 10 सेकंड लगा, तो उस ब्रिज की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, कोई हार्ड सवाल नहीं पूछते। ठीक है, तो मोशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोगों ने तीन सुनी होगी, v = u + at, s = u² = v² = u² + 2s, इसके अलावा nth सेकंड में जो डिस्टेंस आप निकालते हैं उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेना, इनका क्वेश्चंस बनेंगे ही, चाहे वन डी आप नाम दे दो चाहे किसी और चैप्टर में नाम दे दो, बनते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ग्राफ एक बार देख लीजिएगा, पोजिशन टाइम ग्राफ स्पेशली देख लीजिएगा, कि पोजिशन टाइम ग्राफ देख करके आपको एक्सेलरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है और वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। बाकी डिटेल में मत जाइएगा, आपको अगर इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन अगर आपको आते हैं, डिफरेंशिएशन आसानी से अगर आप कर लेते हो आप, तो आई थिंक मोशन वन डी में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए टू डी की तरफ अपन लोग चलते हैं, मोशन टू डी की तरफ। इस मोशन टू डी के अंदर जो टॉपिक है, जो हीरो है इसके अंदर, वो है बच्चों प्रोजेक्टाइल। 23 के अंदर भी आ रहा है, 23 में दो बार आ चुका है बच्चों, 2022 के अंदर भी आ चुका है, इवन 2023 के अंदर भी एक्स की इक्वेशन, एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन टाइम पर डिपेंडेंट दे दी, और ऐसे वाई के इक्वेशन टाइम पर डिपेंडेंट दे दी रेंज, और पूछे तो कॉन्सेप्ट किसके लगने हैं, प्रोजेक्टाइल के लगने हैं। तो 2023 हो गया, 2023 में तीन बार आ चुका है फेज वन फेज टू का मिला करके, 22 के अंदर बच्चों आ चुका है। इसके अलावा 2021 के अंदर भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, 2019 के अंदर भी प्रोजेक्टाइल पूछ चुका है। तो प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक को बच्चों बहुत अच्छा कर लीजिएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हाइट मैक्सिमम निकालना और वगैरह, टाइम पीरियड निकालना, ये सब आपको आना चाहिए, है ना। इसके अलावा बच्चों इसी 2D के अंदर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरेटिकल, करेक्ट, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल का होगा कि कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी कि वैरी करेगी, या फिर वेलोसिटी लगातार चेंज होगी कि वैरी करेगी, काइनेटिक एनर्जी वैरी करेगी कांस्टेंट रहेगी, ये ऐसे सवाल उसमें पूछ लेता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जानते हैं स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उसको एक बार बच्चे जरूर पढ़ लीजिएगा। एक पावर का भी बन जाता है, पावर बाय सेंट्रीपेटल, यस, पावर बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये पावर जो इसके क्वेश्चन जो आते हैं, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रहता है, तो पावर डिलीवर्ड बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलवेज क्या रहता है, जीरो। बाकी इसके अंदर रिलेटिव मोशन में ज़्यादा मत फंसिएगा, छोटे छोटे सवाल, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल रिलेटिव मोशन को लेकर के आते हैं, पता लगा रिवर बोट में और रैनमैन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए, इतने डेप्थ के सवाल आते ही नहीं है, तो मस्त रहिए, उसको ज़्यादा छेड़ना मत, लास्ट टाइम वैसे भी चल रहे हैं। हम लोग आते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बच्चों कोई ज़्यादा हार्ड सवाल वैसे भी नहीं आना है, डायरेक्टली कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन NLM का यूज़ हर चैप्टर के अंदर हो जाएगा, वर्क पावर एनर्जी में भी हो सकता है, रोटेशन के अंदर भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक बच्चों जो हीरो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहता है। कंजर्वेशन मोमेंटम में आपने देखा होगा कि एक बॉडी है, एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, तीन टुकड़ों में टूट गई, दो टुकड़े परपेंडिकुलर हो गए, एक टुकड़ा किधर जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर बच्चों बन जाते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन मोमेंटम मैंने आपको बता ही दिया है, इम्पल्स बच्चों पढ़ लेना और ज़्यादा हार्ड नहीं है, इम्पल्स में सीधा चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना आना चाहिए, इम्पल्स पूछ लेगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो मोमेंटम में चेंज होता है उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सालों से ट्रेंड चला आ रहा था, अब रुका है थोड़ा, कि एटवुड मशीन पर पहले बहुत क्वेश्चन आया करते थे, एक पुली है, एक दो ब्लॉक लटका दिए, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसमें टेंशन क्या होगा, ये क्वेश्चन पहले बहुत आया करते थे, 2020 तक आया, 2020 में भी क्वेश्चन आया है, पर 21, 22, 23 के अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एटवुड मशीन का मतलब केवल दो ब्लॉक का मोशन आप एक बार पढ़ लेना, और सुन लो, दो दो पुलिस रिलेटेड, तीन तीन पुलिस रिलेटेड,
ऐसा कोई भी टॉपिक दिमाग पे भी मत रखना, आपका पड़ोसी आपका दोस्त कितना भी बोले कि मैंने ऐसे क्वेश्चन भी मैंने कर लिए, बोल देना तुम कर लो, मुझे नीट क्वालिफाइड करना है, मुझे आईआईटी क्रैक नहीं करना, मेरा टारगेट नीट क्वालिफाइड करना है बस। तो दो तीन दिन पुले के चक्कर में बिल्कुल बच्चों मत पड़ेगा, अफवाहों से बच कर रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो स्यूडो फोर्स एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार सवाल 2020 के अंदर एडवर्ड मशीन पर दो और एक क्वेश्चन स्यूडो फोर्स पर भी आया है। स्यूडो फोर्स में ज़्यादा नहीं आया, एक कार चल रही है उसमें एक पेंडुलम लटका हुआ था, एकदम एक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेशन दे दिया, बताइए स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, टेन थीटा बराबर ए बाय जी, बस हो गया हमारा काम। हालांकि नाम स्यूडो फोर्स बोल दिया पर आसानी से वो हो जाता है वैसे, ठीक है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन इसके अंदर आते हैं, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स पर 2019 के अंदर बच्चे क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक इनर से मतलब अंदर से होलो है और उसके उसकी साइड वॉल पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, उसका बॉटम हटा दिया गया है और आपको बोला है कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना चाहिए ताकि वो स्लिप ना करे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फेमस होते हैं, एक डिस्क ले लिया एकदम से रोटेट करवा दिया, एक पार्टिकल था फिसले ना, उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं बनते हैं। तो मेरा बच्चों तीन चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, वन डी का हुआ, टू डी का हुआ, न्यूटन्स लॉ का हुआ और वर्नियर कैलिपर्स का हुआ। सर न्यूटन्स लॉ में फ्रिक्शन पर, यस फ्रिक्शन पर भी बच्चे एक बार क्वेश्चन आया, इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन आपसे पूछ लेता है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में बच्चों मत जाइएगा क्योंकि टू ब्लॉक पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम वैसे भी चल रहा है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल फोर 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आया बच्चों, हॉरिजॉन्टल फोर में एक ब्लॉक था 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसकी निचल दे दी गई है, म्यू दे दिया गया, बताओ कितने टाइम में रुक जाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, वी बराबर यू प्लस एटी लगाइए, मस्त रहिए, इसके अलावा कुछ ज़्यादा बनना नहीं होता है। तो टू ब्लॉक बच्चों को छोड़ दीजिएगा, सर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी, तो ये स्ट्रेट लाइन का ही है, तो वी बराबर यू प्लस एटी लग गया बच्चों, तो इसलिए मतलब जो मोशन स्ट्रेट लाइन है वो एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ उसमें पढ़ा दी जाती है, तो उनको ढंग से पढ़ना चाहिए। और इसमें सर एक वो प्रॉब्लम भी काफी पूछी जाती है, नीट ने बहुत बार पूछी है कि इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा हुआ है, कितना एक्सेलेरेशन से भगाए इंक्लाइन को कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे या ब्लॉक फ्री फॉल करे, तो वो भी दो रिजल्ट आप एक बार आ चुका है एग्जाम में बराबर जी टर्न, लेकिन काफी टाइम हो गया उस टाइप के क्वेश्चन को आए, बट उसके बस दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो ध्यान रखें आप, और आता है तो बस रिजल्ट ध्यान रख लो, ए बराबर जी टर्न थीटा वाला फॉर्मूला याद रख लो, बस उस पे ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा, ठीक है। तो आगे बताइए सर। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं डीपी सर के पास, तो डीपी सर हमें जिन चैप्टर्स के बारे में बताएंगे वो हैं वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड और सॉलिड्स। सो ओवर टू डीपी सर एंड वेलकम टू द सेशन सर। थैंक यू हर्षद सर। तो बच्चों जैसे बात करें वर्क पावर एनर्जी की, और वर्क पावर एनर्जी बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, उसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड रहा अभी लेटेस्ट 5 ईयर्स में जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो है सिंपल सा वेरिएबल फोर्स से वर्क, और वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालना लगभग एक साल के इंटरवल में पूछ लेते हैं वो, तो एक सबसे जो प्रायोरिटी पे सवाल है जो आपको करना है वो है वेरिएबल फोर्स से वर्क। जैसे मान लो एफ इक्वल टू 2x+3 दे दिया और डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 5 तक निकाल लिया, तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है। फिर इसके बाद इसमें आते हैं कॉलिजन पर, कॉलिजन की बात करें तो कॉलिजन में बहुत बेसिक काम करना है, एक तो आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बाद, जो इनिशियल कंडीशन है कॉलिजन बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछते हैं वो इक्वेशन याद रखना। और एक सवाल और कॉलिजन का इंपॉर्टेंट है कि एक बॉल लटक रही है और दूसरी बॉल का कॉलिजन कराया, बोले काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कॉलिजन कितना होगा या वो कितना ऊपर जाएगा या फाइनल स्पीड्स क्या होगी, पेंडुलम को लेकर ना, या पेंडुलम को लेकर, तो एक सवाल ये बन जाता है। कॉलिजन में बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते, हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नीट एनटीए नहीं पूछ रहा है, जैसे 2D कॉलिजन्स का काफी कम स्कोप रहता है, 2D लगभग 0, और अगर पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे कि भाई वो जो सर ने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया, दो बॉल आ रही थी टकराई, टकराने के बाद वो मिल गई और एक साथ चली तो वेलोसिटी बताओ, तो सर ने बताया दिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सवाल आता है तो वो कॉलिजन में भी काम करता है। तो एनर्जी का सवाल हो गया कॉलिजन के हिसाब से, ठीक है। एक और वर्क पावर एनर्जी में सवाल बनता है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो उसका भी एक ट्रेंड है, उसमें भी बड़ा ही फिक्स्ड कंसेप्ट है उनका, स्टैंडर्ड केस लेते हैं कि भाई अगर हमें वर्टिकल सर्कल को पूरा करना है तो लोएस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी देना चाहिए, है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लोएस्ट पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी देना है तो अंडर रूट 5 GL देते हैं,
हर 90 घूमने पर रूट के अंदर 2 GL घटता जाता है, इनिशियल पॉइंट मतलब लोएस्ट पॉइंट और जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर टेंशन का डिफरेंस पूछते हैं तो 6 mg हो जाता है, 90/3 mg, 180/6 mg, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन का डिफरेंस डायरेक्ट 6 mg आप याद रखना, तो इस पर सवाल आ जाता है। तो आई थिंक ये इसमें पावर भी बिल्कुल सर इम्पोर्टेंट रहता है, पावर भी, हाँ आप उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। पावर भी इम्पोर्टेंट है, पावर का सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर इंक्लाइंड प्लेन पर चल रहा है तो जो फोर्स हमने लगाया होगा एक्सटर्नल उसका पावर बताइए। और पावर में सिंपल से केस आ जाता है, जैसे एक टर्बाइन है, टर्बाइन पर पानी गिर रहा है एचआईएच से, ठीक है, उसका एफिशिएंसी कितना है, 90% है, उसकी पावर तो उसका आउटपुट पावर क्या होगा। सर इसमें स्प्रिंग से रिलेटेड, स्प्रिंग से रिलेटेड सर बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन एनर्जी के बारे में पूछ लेते हैं कि एनर्जी मतलब एक्स, पहले एक्सटेंशन एक्स था, ठीक है, अब 2x हो गया, तो कितना एनर्जी का बच्चे क्या है स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो बच्चों को उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या स्प्रिंग पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम में या बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, वो याद रखना है, वो है वर्क डन। जहाँ कहीं भी आप फंसो तो स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना, उस पर सवाल जरूर पूछ देते हैं, आया हुआ सवाल है क्या, वर्क डन होता है माइनस का हाफ के x2² - x1² अच्छा यहाँ पर ये फार्मूला बहुत काम का है, जनरली आप लोगों को माइनस का हाफ के x² बताया जाता है, तो x वो इनिशियल जीरो होता है, तो अगर इनिशियल जीरो नहीं है तो ये फार्मूला बढ़िया इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो हाँ तो ये रिलेशन मतलब सिंपल 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 सिंपल। और बहुत ज़्यादा स्प्रिंग वाले 2 स्प्रिंग लगा दी, 3 स्प्रिंग लगा दी, उसका कोई सवाल, जैसा कि पुली में सर ने बताया पुली की आवश्यकता नहीं है, तो वर्क पावर एनर्जी में 2 या 3-4 स्प्रिंग की भी आवश्यकता नहीं है, तो इतना ये वर्क पावर। नेक्स्ट चैप्टर सर अपना ग्रेविटेशन। सर ग्रेविटेशन बड़ा ही सुंदर चैप्टर है, और ग्रेविटेशन इतना सुंदर है इसके सवाल बड़े आसान आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर हम लेंगे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो कई पॉइंट मास है या फिर कोई सेल है, सॉलिड स्फीयर है, इससे ग्रेविटेशनल फील्ड के जो ग्राफ हैं वो जाते हैं। जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर है, अब सेंटर से लेकर सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरीके से वेरी करती है, सरफेस के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड और आर का वेरिएशन क्या है, तो ये ग्राफ कई बार पूछा गया है, इस पर सवाल आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी अंदर 2 पॉइंट दिए हैं, उन 2 पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फील्ड का रेशियो पूछ लेंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से सवाल बनते हैं। दूसरा इसमें वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, उस पर भी सवाल बनता है भाई, हाइट के साथ क्या वेरिएशन है, डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन है। हाइट के साथ 2 फार्मूला हैं जो बच्चों आपको याद रखने हैं, एक तो है एच इज़ वेरी कंपेरेबल टू आर, अगर एच कंपेरेबल है, जैसे एच इक्वल टू r/2, r/3, r/4, 2r मतलब सरफेस से हाइट जो दी है, तो वहाँ पर फार्मूला लगेगा g'=g/1+h/r² का होल स्क्वायर। ये फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और एक हाइट के लिए फार्मूला है सर, जब h इज़ वेरी लेस देन r है, तो वो फार्मूला, उस पर सवाल बनते हैं कि भाई अगर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर गए तो परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है, इस तरह के सवाल, या फिर इतना परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी है तो हाइट कितना होगा, तो वो फार्मूला बन जाता है, फार्मूला बेस्ड सवाल आता है। एक डेप्थ का भी सिमिलर है, तो डेप्थ के साथ देख लो या हाइट के साथ देख लो ग्रेविटी घटेगी, तो इस पर भी सवाल कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं। तो एक तो ये हो गया, अब बनता है तो गिने चुने कॉन्सेप्ट है, एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का, एक हो गया आपका वेरिएशन ग्रेविटी एल्टीट्यूड के साथ, डेप्थ के साथ, और एक सवाल सर और बनता है सैटेलाइट के मोशन। बिल्कुल अच्छा, सैटेलाइट वो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी अभी हम इसी को पहले लेंगे, क्योंकि सैटेलाइट मोशन में जैसे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और उसे ऑर्बिट चेंज करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, या फिर अर्थ की सरफेस से हमें किसी ऑर्बिट में लॉन्च करना है, तो उसमें टोटल एनर्जी का डिफरेंस ले लो, टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल। यहाँ पर एक बात जरूर इम्पोर्टेंट है कि जब हम अर्थ से लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो टोटल एनर्जी जब हम अर्थ से लॉन्च करेंगे तो पोटेंशियल ही माना जाएगा, तो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में लॉन्च करने का सवाल बनता है। सैटेलाइट में अगर आए तो एक एस्केप वेलोसिटी का भी सवाल बनता है, बिल्कुल ऑर्बिटल का मतलब प्रोपोर्शनलिटी वाले सवाल हैं, एस्केप का प्रोपोर्शनलिटी वाले सवाल है, वो डेंसिटी कांस्टेंट डेंसिटी के साथ दे देते हैं। हाँ तो उसमें जैसे एस्केप वेलोसिटी का वी बराबर √2gm/r है, अब उनने बोला कि डेंसिटी सेम है दो प्लैनेट का, रेडियस अलग अलग है,
तो दोनों प्लैनेट पर एस के वेलोसिटी का रेशियो बताओ। तो इस तरह के सर सवाल बनते हैं। केपलर्स लॉ में बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, वो आता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर कंजर्वेशन लॉ का पूछते हैं केपलर्स लॉ का, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, अर्थ सन के चारों रिवॉल्व कर रही है तो उस पर पूछ देते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना, एक तो ग्रेविटेशन में हो गया आपका क्या ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ, और एक और वेरिएशन होता है जो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो वेरिएशन वाला रोटेशन ऑफ द अर्थ, हाँ रोटेशन रोटेशन ऑफ अर्थ पर एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो वो फार्मूला हो गया, उसमें पूछ सकते हैं कि ग्रेविटी इक्वेटर पर जीरो है तो ओमेगा कितना हो जी, एंड टाइम पीरियड कितना होगा। तो एक हो गया वो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, दूसरा वेरिएशन इन ग्रेविटी वाला हो गया, तीसरा हो गया सैटेलाइट का एनर्जी वाला सवाल, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहा है। और एक फार्मूला जो हर जगह काम आएगा वो है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इसमें भी सवाल आते हैं सर कि एक हाइट से H1 से H2 या फिर अर्थ की सरफेस से H1 पर गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सीधा फार्मूला लगाना है जी। तो इस तरह के सवाल आते हैं ग्रेविटेशन में, आई थिंक इतना सफिशिएंट है, बहुत फार्मूला पे सवाल आते हैं। फिर अगला अपन सर सॉलिड्स की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। पवन सर ये बताइए, ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ग्रेविटेशन भी था लेकिन बच्चे इससे दूर भागते हैं, मैंने देखा डाउट नहीं, वैसे दूर भागते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन आप पर ईयर इसका ले सकते हो और वो भी बेसिक यंग मॉडुलस पर ही बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यंग मॉडुलस सबसे इम्पोर्टेंट है, यंग मॉडुलस पर आप ध्यान रखिएगा और यंग मॉडुलस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी स्ट्रेन पूछ लेता है, कभी स्ट्रेस पूछ लेता है, जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी जैसे कि एक वायर है उससे कोई मास लटका दिया जाए, मास एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया तो उसमें इलोंगेशन कितना हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ग्रेविटी में कितना चेंज हुआ, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इलास्टिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके परफेक्ट होने चाहिए, उसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप लिखे पिछले 5 साल में देखें तो यंग मॉडुलस को फोकस करके ही क्वेश्चन पूछा गया है, यदा कदा कोई क्वेश्चन बल्क मॉडुलस पर पूछा गया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है बच्चों। तो अगर आप इसको अवॉइड कर दें तो मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इलास्टिसिटी के टॉपिक को थोड़ा लास्ट में रख सकते हैं, और जो रिलेटेड क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक एनर्जी याद कर लीजिए कि इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, उससे स्ट्रेस या स्ट्रेन कैसे निकाली जाती है, दैट्स ऑल, इतना ही आता है। अब दो तीन चीज चैप्टर में ज़्यादातर दिमाग दौड़ाते हैं रिजिडिटी पे, हाँ उसके बाद दौड़ाते हैं उनका और दिमाग चलता है तो टॉर्शनल कॉन्स्टेंट नहीं, टॉर्शनल सर एक टाइम पर एक क्वेश्चन आया था, ये सब जो इन्हीं बच्चों से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, आप छोटे छोटे बच्चों अफवाहों के चक्कर में मत आया करो बस, बिल्कुल अगर आपको पूछना है ना कभी किस चैप्टर के बारे में तो एक्सपर्ट लोगों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछने मत बैठ जाए, क्योंकि दोस्त अलग अलग इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग सही भी होते हैं, तो क्या अगर पूछना हो तो उनसे पूछो। तो सर ने बहुत अच्छा बताया, यंग मॉडुलस एक्सटेंशन एनर्जी इनको पढ़ो, रिजिडिटी को छोड़ दो, इसमें इसी से ही क्वेश्चन आता है। 3-4 साल से सर एक ही ट्रेंड आ रहा है, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई ए, ये फार्मूला तो गोल्ड है, ये फार्मूला इलास्टिसिटी पर ज्यादा जो है ना आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, या यूं कह लो कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स ऑल, या आपके टीचर ने जो आपके नोट्स कॉपी में क्वेश्चन करा रखे वो, मतलब आपका क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना फ्लूइड की अपन बात कर लेते हैं सर। सर फ्लूइड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन बड़ा चैप्टर है, चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत बारीकी से काम करना है। बारीकी क्या है कि आपको फ्लूइड स्टैटिक्स पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, बिल्कुल आप देखो पिछले सालों का जो ट्रेंड है, 5 साल के लेटेस्ट 5 ईयर का जो ट्रेंड है उसमें बर्नौली के एप्लीकेशन, सरफेस टेंशन मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, तो सरफेस टेंशन पर सवाल आ रहे हैं, सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सरफेस एनर्जी लगा लो, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, और खास तौर से उसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की बात है, कैपिलरी राइज है ना, कैपिलरी राइज पर सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो हाइट एच इन टू आर कॉन्स्टेंट होता है, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो आप फ्लूइड की अगर बात करें तो निचोड़ ये है कि स्टैटिक्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, फ्लूइड डायनेमिक्स पर काम करना है, डायनेमिक्स में बर्नौली के एप्लीकेशन। अगला एक और एप्लीकेशन इसका इम्पोर्टेंट है
कि दो पाइप जोड़ दिए और एक तीसरा पाइप, दो पाइप आ रहे थे उनमें पानी आ रहा था और वो दो पाइप का पानी एक पाइप में, हाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो A1V1 प्लस A2V2 बराबर AV, और उसके साथ प्रेशर का वेरिएशन। हाँ तो ये बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है विस्कोसिटी वाला, हाँ विस्कोसिटी पर टर्मिनल वेलोसिटी का केस बनता है। टर्मिनल वेलोसिटी में दो सवाल बनते हैं, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला और दूसरा बनता है ग्राफ। तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है। तो फ्लूइड में आपको बच्चों क्या पढ़ना है, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, और आपको स्पीड ऑफ एफ्लक्स और बर्नौली का एप्लीकेशन, हाँ सरफेस टेंशन, बर्नौली का एप्लीकेशन, और उसमें एक आ जाएगा कैपिलरी राइज वाला। सो पवन सर अब आपकी तरफ बढ़ते हैं, डीपी सर ने बड़ा डिटेल में हमें बता दिया है सारे चैप्टर्स के बारे में। सो अब पवन सर जिन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे उसमें एक तो वो चैप्टर है जिनसे आपको रातों को नींद नहीं आती है, वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और उसके अलावा दो चैप्टर्स और ऑसिलेशंस एंड वेव्स। पवन सर सर बच्चों मेरे पास तीनों ही जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंटेंस है, बच्चों की वाकई नींद उड़ा देता है, रोटेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि इनके क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल फंडामेंटल आते हैं। पिछले ट्रेंड में देखा जा रहा है कि पिछले 5 साल में रोटेशन के 2 ही क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, बस 2022 के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। और सर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टॉपिक बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन अगर उनको फिल्टर किया जाए तो आपको केवल 3 चीज़ें पढ़नी है, 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। पहला रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, और रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगा किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पढ़ना क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट तो बन ही गया है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है सर वो अधिकतर आता है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन को लेकर, कभी टॉर्क कैलकुलेट करवा लेता है, कभी टॉर्क देखकर एंगुलर एक्सेलरेशन करवा लेता है, और कभी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट देकर रोटेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करवा लेता है। तो मतलब दूसरा क्वेश्चन टॉर्क और अल्फा के रिलेशन पर आप फोकस करें, और तीसरा जो इसका क्वेश्चन है वो भी टॉर्क रिलेटेड ही है, लेकिन वो आता है इक्विलिब्रियम पर कि एक बीम है उसको दो ब्रिज के ऊपर बैलेंस किया गया है, तो आप ये बताइए कि जैसे फुलक्रम वाला क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन है, बीम पर ब्रिजेस पर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये मतलब इनके अलावा मैंने सर पिछले 5 साल में कोई ऐसा हाई तोबा वाला क्वेश्चन नहीं देखा, और जैसा कि NTA ने इस साल तो क्लियर कट कर दिया, रोलिंग हम देंगे ही नहीं, तो रोलिंग रिलेटेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पर रोल कर रही है या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल कर रही है, तो मैं तो ये कहूँगा सर अवॉइड कर दीजिए। और एक लास्ट जो स्वीटेस्ट है वो सभी को आता है, सेंटर मास निकालना। और एक अच्छी बात बताए, सेंटर मास जो अभी तक पूछा गया ट्रेंड में वो पार्टिकल का पूछा गया, हाँ, सर रिजिड बॉडी का नहीं रखा हुआ कि एक रॉड है एल शेप में है या वी शेप में है इसका सेंटर मास, बोलते भैया एक पार्टिकल से या तो 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल, उनकी ज्योमेट्री दे देते हैं, बोले इस सिस्टम का सेंटर मास बता दीजिए, बस इतना सर सर रोटेशन में आता है। तो प्यारे बच्चों अगर रोटेशन में अगर आपको पूरा स्कोर करना है तो 3 चीज़ें, सेंटर मास निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, और टॉर्क और अल्फा के क्वेश्चन। स्टार्टिंग में जो स्कोरिंग चैप्टर्स है उन पर आप फोकस करिए, यूनिट एंड डायमेंशन सर ने कितना अच्छा बताया, स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन, तो उन पर ज़्यादा फोकस करिए। रोटेशन जब आपको मौका मिले तो जो टॉपिक्स बताए हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर, बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी को आप डेफिनेटली स्किप कर सकते। और इसके अलावा स्कोरिंग में मैं बोलता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन, तो इसके क्वेश्चन पिछले 5 साल के ट्रेंड में 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं बेटा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं आ रहे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे पोजिशन की इक्वेशन लिखते हो, वेलोसिटी की इक्वेशन है, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, वेलोसिटी का पोजिशन के साथ रिलेशन, एक्सेलरेशन का टाइम और पोजिशन के साथ रिलेशन, एनर्जी का टाइम और पोजिशन, ये रिलेशन और इनसे रिलेटेड ग्राफ बहुत, अगर आपको वी और एक्स का रिलेशन आता है तो आपका क्वेश्चन बनेगा। कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं, कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं होता, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है,
या तो आपसे ग्राफ पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड। और इसके अलावा सर एक और है, सिंपल पेंडुलम। आप सिंपल पेंडुलम की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, इनके रिलेशन, इनके ग्राफ, पिछले 5 साल के पेपर को अगर आप उठाकर देखेंगे तो सबसे इजी क्वेश्चन SHM के फॉर्मूला लगाइए, आंसर लीजिए। लेकिन बच्चे डर जाते हैं तो इसके इसको सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट है, मालूम नहीं क्या पूछा जाएगा, तो पढ़ते नहीं है। जबकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बच्चे बोलते हैं सर स्प्रिंग ब्लॉक का, अरे भाई स्प्रिंग ब्लॉक का तो एक ही फॉर्मूला है, 2π√M/K, इसके अलावा कोई यूज नहीं है उसका। टीचर मास दे देगा, के दे देगा और आपसे पूछेगा टाइम पीरियड बताइए, या टाइम पीरियड दे देगा के। एनर्जी से एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हो, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और अननेसेसरी कंपाउंड पेंडुलम पे भी बहुत बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कोई सवाल नहीं आता उसमें। टाइम अपना स्पेंड बचा कर रखिए, स्कोर करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट भी है जिनको आपको पढ़कर स्कोर बढ़ाना है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो बेसिक चीजें हैं उस पर आप फोकस करें। और वेव्स सर इसमें SHM के अंदर वो भी एक बार बच्चों को बता दें कि जैसे डैम्पिंग, फूड ऑसिलेशन। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बच्चों, सर ने बिल्कुल बात अच्छी बताई है कि डैम्पिंग वगैरह भी होता है, लेकिन एंटी ने डैम्पिंग का क्वेश्चन हटा दिया है। और एक बार बताऊं, नहीं हटाते तो भी नहीं आ रहा, नहीं आ ही नहीं रहा था। बिल्कुल सही बात, पिछले 5 साल में एक क्वेश्चन नहीं आया तो हटा दिया, तो कौन सा हमारे लिए बड़ा काम कर दिया। बस हाँ ये है कि हमारे को उसको पढ़ने का टाइम जो बच रहा है। और इसके अलावा जो सर एक और लास्ट इलेक्ट का वेव्स, जिसको देख कर अच्छे अच्छे चक्कर आ जाते हैं। तो मेरा एनालिसिस आपके लिए और एक अच्छी खबर है, एक क्वेश्चन पर ईयर देखने को मिलता है, कभी कभी 2 आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस है एक ही क्वेश्चन आता है। अब आप देखिए जिस चैप्टर का वेटेज एक क्वेश्चन का है तो आपको टाइम कितना देना चाहिए। लेकिन डर लगता है सर अगर एक भी आएगा तो क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल बात है कि इसका जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए आप सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करिए। एक, स्पीड ऑफ द वेव, ट्रांसफर वेव की स्पीड कैसे निकाली जाती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, मतलब साउंड की स्पीड का कैलकुलेशन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन नहीं जा रहा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी पता है तो आपका ट्रांसफर वेव का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टेम्परेचर का अगर आपको फैक्टर पता है तो आपका साउंड वेव्स का क्वेश्चन हो जाएगा, V=√γRT। डॉपलर इफेक्ट सर सिलेबस से हट गया है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसी में आता था, कभी ये आ रहा कभी वो आ रहा, दोनों पास आ रहे दोनों दूर जा रहे, तो वो डॉपलर इफेक्ट सिलेबस से पूरी तरह से हट गया है। तो डॉपलर इफेक्ट पर तो आपको देखना ही नहीं है, तो इसलिए अब डॉपलर इफेक्ट हट गया तो बीट्स का क्वेश्चन अब नॉमिनल हो गया। और इसके अलावा अगर आप चाहें और स्टैंडिंग वेव्स में ऑर्गन पाइप्स के क्वेश्चन पर आप फोकस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आए कि हाफ और क्लोज ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या है। सर सही बात, सिर्फ यही पूछ लेता है कि थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताइए या जो है थर्ड हारमोनी की फ्रीक्वेंसी बताइए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आज तक इसमें नहीं बना है। और हाँ सर, मैं एक एडअप और करूँगा, प्रैक्टिकल में रेजोनेंस ट्यूब ऐड हो गया है। तो रेजोनेंस ट्यूब के जो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड निकालने का, तो मेरा इंट्यूशन ये कहता है स्पीड ऑफ साउंड निकालना, कि अगर आपको फर्स्ट रेजोनेंस लेन दे दिया, दूसरा रेजोनेंस लेन दे दिया, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। अब इसी में फिर आगे चल के जो अगले चैप्टर्स बचते हैं वो बचते हैं थर्मल फिजिक्स के। तो थर्मल फिजिक्स में मैं भी अपने कुछ व्यूज शेयर करना चाहूँगा सर। एंड थर्मल फिजिक्स में अगर अपन ओवरऑल देखें तो पूरे नीट में ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में 4 से 5 सवाल आते हैं। 4 से 5 जी सर। अब इसमें अगर अपन बात करें तो मेजर 3 चैप्टर्स अपन ले लेते हैं। जैसे पहला अपन KTG की बात कर सकते हैं, फिर थर्मोडायनामिक्स और फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को अपन देख सकते हैं। तो जैसे अगर अपन KTG की बात करते हैं तो मैं इसमें सबसे पहले, क्योंकि लास्ट के ही कुछ दिन बचे हैं, तो आप जिन जिन फॉर्मूलाज को देख सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। एक तो गैस लॉज, जो 3 तरह के गैस लॉ होते हैं आप उनको देख लें। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि VRMS और मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड के जो फॉर्मूले हैं इनका आप एक थोड़ा सा अच्छा सा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सर, और बस बच्चा वैल्यू डालना सीख ले तो कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर निकाल सकता है। तो इन पे थोड़ा सा फोकस कर सकता है। इसके अलावा जो इसमें आता है वो आता है मीन फ्री पाथ का।
जो मीन फ्री पाथ का लैम्डा का फॉर्मूला है उसमें डेंसिटी के साथ एटम की साइज के साथ कैसे उसका वेरिएशन है, तो उसको थोड़ा सा देख ले लास्ट टाइम पे, वो काफ़ी सफिशिएंट इतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर वो, बिल्कुल मीन फ्री पाथ। और जिनको अवॉइड कर सकता है उसमें अगर अपन बात करें तो एक तो इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अपने पढ़ाते हैं पर उसका कोई क्वेश्चन खास देखने को मिला नहीं है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपन लेते हैं पर उसका भी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ बिल्कुल, ये केमिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड होता है तो आप पूछते भी हैं, फिजिक्स में इतना नहीं पूछते, बिल्कुल। और आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ो और आगे, बिल्कुल। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर के क्वेश्चंस आप फॉर्मुला देख सकते हो, बेसिक N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2 उस तरह से, बट इसके भी कोई खास क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है। तो KTG है छोटा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और एक से दो सवाल इसमें नीट हर साल ऑलमोस्ट पूछ लेता है, बट मेन फोकस अगर कंक्लूजन इसमें दें तो एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज का और मीन फ्री पाथ, ये दो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर बोले जा सकते हैं जो बहुत छोटे भी हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मोडायनामिक्स में जो क्वेश्चंस मेन उठ के आ रहे हैं वो चार टाइप्स के जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, तो इनके अंदर जो हीट होता है, वर्क होता है, या इंटरनर्जी चेंज होता है, या इनसे रिलेटेड ग्राफ फेज के जो ग्राफ्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर हो जाते हैं, उनके ऑलमोस्ट एक सवाल चांसेस रहते हैं कि आपके आ जाए। और उसके अलावा अगर कहीं और से बात करें तो इसमें फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो खासतौर पर स्पेसिफिक हीट निकलवाता है, जैसे जनरल प्रोसेस का, वो जिसका PV की पावर अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट का अपन फॉर्मूला बता देते हैं, तो वो कैलकुलेशन एक बार बच्चा समझ ले, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसमें मिल जाएगा। कहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप जैसे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वैसे आते थे सवाल, पर इस साल जैसा NTA ने बोल दिया है तो चांसेस हैं कि इस बार कोई क्वेश्चन उसका आने वाला है नहीं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट अब रहा नहीं है। कारोट इंजन हट गया सर जी, और उसके अलावा CPCV के जो मिक्सचर के फॉर्मूले होते हैं वो भी खास, वैसे भी अगेन जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर होता है इनका भी निकाला जा सकता है, बट क्वेश्चन इतने देखने को मिले नहीं। आइसोबैरिक पर एक क्वेश्चन बनता है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यों निकालते हैं? बिल्कुल 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 सर, उसमें हीट और जो हीट का जो रेशो होता है वो इंटरनर्जी में कितना गया, वर्क डन में कितना गया, बिल्कुल कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो अगर थर्मोडायनामिक्स का कंक्लूजन उठाएं अपन, तो बेसिकली चार टाइप के प्रोसेस, उनके डिफरेंट जो भी पैरामीटर्स हैं, हीट, वर्क और इंटरनर्जी, और इनके ग्राफ्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट फिर अपन बात करेंगे अगर थर्मल प्रॉपर्टीज़ की, चैप्टर बहुत बड़ा है एंड पर क्वेश्चन अगेन जैसे वही बात है, SHM और वेव्स हैं, चैप्टर बहुत बड़े हैं बट क्वेश्चंस इतने आते नहीं, इसके साथ भी यही केस है। इसमें अगर फिर भी आपको लास्ट दिनों में कुछ देखना है तो आप एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, जिसके अंदर थिकनेस के साथ कैसे, मतलब आइस की थिकनेस किस तरह से वेरी करती है टाइम के साथ, उस तरह के क्वेश्चन थोड़े से इसमें उठ जाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर कूल डाउन होने में कितना टाइम लगेगा, सेम टेम्परेचर गैप के लिए कितना कितना टाइम लगेगा, उसके क्वेश्चंस काफ़ी इसमें आ जाते हैं। और दूसरा इसमें आ जाता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसका लैम्डा इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, उसका ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ किस तरह से ग्राफ वेरी करता है। और उसके अलावा फिर अपन बात करें तो जैसे इसी में थोड़ा सा और जाएं तो कंडक्शन जो होता है, जैसे सीरीज पैरेलल रॉड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके दो चार सवाल आप लगा सकते हैं, बिल्कुल टेम्परेचर पूछने वाला, तो उसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आखिरी के दिनों में। और उसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन में 1D 2D 3D थर्मल एक्सपेंशन जो है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सपेंशन इसमें मैटर करता है। और कैलोरीमेट्री वैसे एक ही सवाल है पिछले 5 सालों में कैलोरीमेट्री का, बट फिर भी आप आइस मिक्सचर का एक दो सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं आखिरी दिनों में। छोड़ना क्या है, एक तो इसमें जो थर्मामीटर्स, वैसे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है पर थर्मामीटर्स डिफरेंट टाइप के जो होते हैं या प्रेशर थर्मामीटर होते हैं, इनका कोई खास क्वेश्चन पिछले 5 सालों में आए नहीं है, तो बच्चा डेफिनेटली इसको छोड़ सकता है। ट्रिपल पॉइंट एक बड़ा बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि ग्राफ जो है, वैसे कुछ खास उसमें न्यूमेरिकल तो नहीं बनता है बट ट्रिपल पॉइंट के अंदर बस क्या होता है उसको लेके बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, खास उसका कोई सवाल है नहीं, चाहे तो स्किप मार सकते हैं। कन्वेक्शन अगेन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई खास इसके सवाल है नहीं। एमिसिविटी जो अपने को इसमें मिलता है ब्लैक बॉडी के अंदर, वो सब भी खास पूछता नहीं है, नहीं तो आप इसको भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। एक्सपेंशन के अंदर आता है अपेरेंट एक्सपेंशन, अपेरेंट एक्सपेंशन का जो क्वेश्चंस हैं वो भी खास देखे नहीं है, जैसे डेंसिटी या एक कंटेनर में अपन लिक्विड भर दें तो दोनों का अगर एक्सपेंशन होता है तो ओवरऑल एक्सपेंशन क्या होगा, वो सब भी क्वेश्चंस इतने खास इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहे हैं अगर पिछले 5 साल के ट्रेंड को अपन देखें। तो इसमें भी अगर कंक्लूजन अपन दें तो एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले दो नंबर पर तो आप इनके सवाल प्रैक्टिस कर लें थोड़े थोड़े, और उसके अलावा कंडक्शन में सीरीज पैरेलल रॉड्स का, जंक्शन का, और उसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन में 1D 2D 3D, इनमें अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, उस तरह के इनके रेशियोज क्या होते हैं, वो डेफिनेटली देखा जा सकता है। तो ये पूरा एक कंक्लूजन रहेगा अपना पूरे थर्मल फिजिक्स का, जिसके आप 4 से 5 क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा जो भी आपको अभी बताया गया 11th के बारे में, एंड अभी आपके पास क्योंकि टाइम कम है तो पूरा तो अब पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो उन्हीं पर फोकस करें जिनके नीट में आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, एंड सारे फैकल्टीज़ ने आपको अपने अपने डेफिनेटली जो ओपिनियन है और अपने जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हैं वो बता दिए हैं कि 2024 में क्या एक्सपेक्टेड किया, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है
और जहाँ तक है उम्मीद है कि जो बताया गया है वहीं से आपका पेपर आना भी चाहिए। सो हमारी तरफ से आप सबको एक काफ़ी सारी बेस्ट विशेज आपके नीट के आने वाले नीट के एग्ज़ाम के लिए, एंड वी होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, एंड वी होप कि आप नीट में बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ आप नीट क्रैक कर पाएंगे। सो फ्रॉम द अगेन टेकिंग दी परमिशन फ्रॉम द एक्सपर्ट पैनल, आज हम यहीं पर वीडियो को कंक्लूड करेंगे, एंड वी होप दैट यू आर इन वेरी गुड हेल्थ एंड मेंटल स्टेट टू गिव द नीट एग्जाम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।